हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी इंडस इंड बैंक में निकाली गई है, जो कि इंडिया का एक टॉप प्राइवेट लीडिंग सेक्टर बैंक है, जिन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर। ये डेजिग्नेशन हमें लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है और इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि कैसे हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग हम सभी लॉ ग्रेजुएट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराएंगे, ताकि किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लॉ अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी किसी भी हमारे कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग इंडस इंड बैंक का ओवरव्यू ले लेते हैं। जिन कैंडिडेट्स को इंडस इंड बैंक के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उनको मैं पहले इस बैंक के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूं। इंडस इंड बैंक हमारा इंडिया का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसने इंडिया में अपने ऑपरेशंस शुरू करे थे 17th ऑफ अप्रैल 1994 को, और इस बैंक का जो फाउंडर थे उनका नाम है एसपी हिंदुजा, यानी कि श्रीचंद हिंदुजा। ये हमारे हिंदुजा ग्रुप के भी चेयरमैन हैं, और इन्होंने एसपी हिंदुजा ने ये बैंक हमारा शुरू करा था, ताकि जो हमारी एनआरआई कम्युनिटी है उनको इंडिया में सर्व किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने इस बैंक में बहुत सारी सर्विसेज चालू करी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज, कंज्यूमर बैंकिंग की सर्विसेज, कॉर्पोरेट बैंकिंग की सर्विसेज, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस की सर्विसेज, मॉर्गेज लोन्स की सर्विसेज, प्राइवेट बैंकिंग की सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज और हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज। इन्होंने मल्टीपल चीजें हमारे इस बैंक में शुरू करी थी। साथ ही साथ आज के दिन में इंडिया में इसके 2.5 करोड़ कस्टमर्स हैं, और साथ ही साथ 2000 ब्रांचेस हैं हमारे पूरी कंट्री में, जिसमें मेजरली ब्रांचेस इनकी न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में लोकेटेड हैं। साथ ही साथ ये हमारा इंडिया का वो बैंक है जिसकी प्रेजेंस आउटसाइड इंडिया भी है, जैसे कि इनकी ब्रांचेस हमारे दुबई, लंदन और अबू धाबी में भी है। साथ ही साथ 2021 में आरबीआई ने इंडस इंड बैंक को ऑथराइज किया था कि वो कलेक्ट कर सके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बिहाफ ऑफ सीबीपीआई और सीबीआईसी। तो मेरे को लगता है कि इतना आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इंडस इंड बैंक का ओवरव्यू काफी है, यानी कि हमारा एक टॉप बैंक है इंडिया का, जिसका पार्ट आप लोगों को बनने का मौका मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कि इन्होंने हमें कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर करी है। इन्होंने हमें लीगल क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, जिसमें इन्होंने हमें लीगल डिपार्टमेंट का पार्ट बनाया है। साथ ही साथ इन्होंने जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन कराया कि आपका इंडस इंड बैंक अंधेरी मुंबई आपकी लोकेशन होने वाली है। क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कराया कि आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कराया या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट हैं या फिर आप एक एलएलएम ग्रेजुएट हैं, तो आप इनके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और आपकी प्रैक्टिस कॉर्पोरेट बैंकिंग में है या होलसेल बैंकिंग में है और आपको इस सेक्टर में प्रैक्टिस करते हुए 2 साल से लेके 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा बिजनेस वर्टिकल्स ऑफ द बैंक को, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा क्रेडिट फैसिलिटी को, सिक्योरिटी को, एंसिलरी डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी आपने कॉर्पोरेट बैंकिंग के दौरान एक्सपीरियंस गेन करा होगा आपको वो सारी चीजें यहां पर एज अ लीगल क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर आपको करनी पड़ेगी। तो ये इन्होंने हमें जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया है, बाकी आप इस वीडियो को पॉज करके भी खुद से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है वहां पर आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद ही आप इसको अपने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को। आपको मेक श्योर करना है कि आप इसे डाउनलोड करें तभी आप इस इमेज को पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 ईमेल आईडी प्रोवाइड है, आपको उन 2 ईमेल आईडी पे अपने अपडेटेड रेज्यूमे को मेल करना है। एक बार मैं ईमेल आईडी आपको पढ़ के भी बता देता हूं, sayali.khambe@indusind.com या फिर tejashri.chogle@indusind.com। आपको इन दोनों किसी भी एक ईमेल आईडी पे अपने अपडेटेड रेज्यूमे को मेल करना है तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें रेमुनरेशन के रिगार्डिंग। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को पहले भी कई काफी वीडियोस में बता चुका हूं कि रेमुनरेशन के रिगार्डिंग प्राइवेट कंपनीज कभी भी अपना डिस्क्लोज नहीं करती है सैलरी के रिगार्डिंग। वो आपके साथ राउंड ऑफ इंटरव्यूज में नेगोशिएट किया जाता है। पहले राउंड में जब आपको एचआर का कॉल आता है उसी में आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका करंट सीटीसी क्या है और आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है। अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग आपने जो भी अमाउंट कोट करा है अगर आप उनके ब्रैकेट में आते हैं तो वो आपको आगे फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यूज में कंसीडर कर लेते हैं। तो आप लोग अपना अपने अमाउंट को उसी हिसाब से कोट करिएगा। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको रेमुनरेशन के रिगार्डिंग भी देनी थी। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। बाकी अगर आपके इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के थ्रू टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपना कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। थैंक यू सो मच।